अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई साहब, इसको सबसे पहले पहचाने ये कौन है। आप सब इसे जानते भी होंगे लेकिन मैं इसका नाम नहीं बताने वाला। कमेंट में आपने जरूर बताना है कि ये कौन है। ये मेरा पार्टनर है भाई। जब मैंने ये परिंदों का सेटअप शुरू किया था उससे भी पहले ये मेरे साथ था, और फिर शुरू में इसी ने संभाला था। बाद में फिर आप सब ने कहा कि स्कूल का एडमिशन होना चाहिए, इसे पढ़ना चाहिए। फिर ये स्कूल चला गया, फिर मेरी वीडियोज़ में नहीं आता था, लेकिन समझे होता इधर ही था, सुबह शाम हमारे पास ही था। लेकिन अब फिर से ये वीडियो में इंशाल्लाह आया करेगा। कल मैंने आपको बताया था कि भाई मैं अकेला था, तो पूरा दिन लगा मुझे इस घर की सेटिंग करने में। आज ये मेरे साथ आ चुका है, तो हमें तकरीबन आधा घंटा लगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ की सारी सेटिंग भी कर दी है, दाना पानी भी इनको दे दिया। सुबह से बारिश लगी हुई है और यार ये बारिश रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही है। तो देखे जरा, पता नहीं कितनी ज़्यादा आंधी आई है। मैं तो घर पर नहीं था, अभी वापस घर आया हूँ तो पता चला है कि अनार ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है। और वो देखे सामने हमारा लुकाड़ भी यार, बारिश का हमें यही डर लगा रहता है कि भाई आएगी, नुकसान करेगी और मजे से चली जाएगी। भाई इसके ऊपर तो हमारी नजर ही नहीं पड़ी, इतना ज्यादा पानी। ये शुक्र है वो डर गई है, डर गई है। सारा पानी बाहर गया, वो अभी इधर से है, अभी है थोड़ा सा, है अभी खत्म हो गया यार। लेकिन अब जो बारिश हुआ करेगी ना, मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ पर ना एक सुराख कर देते, यहाँ से पानी सीधा नीचे चले जाया करेगा, वरना फिर यहाँ से अगर आया ना तो सारा घरों के अंदर भी जा सकता है। ये वाला कबूतर हमारे एक दोस्त के घर आया था, तो वो यहाँ पर मुझे देख गया। अब पता नहीं ये बच्चा है, बड़ा है, मेल है, फीमेल है, मुझे लगता है ये तो भी छोटा सा बच्चा है यार। और इसको ना हम अपने कबूतरों के साथ फिलहाल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हो सकता है कोई बीमारी वगैरह ना हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। चलो भाई, ये मुझे बीमार ही लग रहा है यार। ये देखिए इसको ज़रा, ये दाना खाओ, अगर से भूख लगी होती अभी दाना खाता, खाएगा? ओहो, खाने शुरू कर दी है माशाल्लाह। लेकिन अभी ये बहुत छोटा बच्चा है ना, आज का दिन रात तो ये यहीं पर रहेगा, उसके बाद इसके बारे में सोचेंगे भाई इसे शिफ्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ भाई भालू, ठीक हो ना तुम? कोई मसला मसाइल तो नहीं है? यहाँ पर थोड़ा सा पानी आ गया है यार। इन दोनों को ना हमने बंद किया हुआ है फिलहाल दो दिन से, एक तो बारिशें चल रही हैं, दूसरा यार हमारी बिला के पीछे ना जंगली बहुत से बिल्ले इधर आ गए हैं, वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं, फिर ये आपस में लड़ाइयाँ करते हैं। ये हमारा वाला भालू जो है ना, उन बिलों के साथ लड़ाइयाँ करता है, तो जिसकी वजह से ना फिर खतरा है कहीं एक दूसरे को जख्मी न कर ले। ये तीनों मुझे लगता है बारिश में कहीं बाहर रह गए हैं, इसीलिए तो ये देखिए कितना ज्यादा बारिश से गीले हो गए हैं। और ये रही फीमेल, ये भी बाहर आ जाती है ना, तो अब ये सारे मिलके खुद को सुखा रहे हैं। सुबह से हमारी बकरियां अंदर बंद थी ना, यहाँ पर अहमद है ना अली है, दोनों यहाँ से कहीं गायब हुए हुए हैं। अभी मैंने इनको बाहर निकाला है, थोड़ा सा वंडा डाला है, इसको यहाँ पर रखते हैं, और अब मुझे इन्हीं के पास यहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रुकूंगा नहीं ना तो ये तीनों बहुत ज़्यादा तेज़ है, यहाँ से उस तरफ को जाएंगे और फिर सारे पत्ते खा जाते हैं, ऐसे बाहर को निकल जाते हैं। तो जब तक ये खा नहीं लेते ना तब तक मैं यहीं पर रुकूंगा। तुम किधर थे? मैं तो खरगोशों के लिए पत्ते नहीं दे। चलो, और अली किधर है? अली इमरान भाई ने निकाल दिया, सिगरेट पी रहा है। ओ नहीं यार, ओ मेरान भाई ने कहा निकाले, वो इधर ही कहीं होगा, उसको किसी काम भेजा होगा। तो खैर, ये छिलके ये कहाँ से लाए हो? घर से लाए। अच्छी बात है यार, इसे भी खरगोशों की इतनी वीकर है कि भाई घर से छिलके ले आए खरगोशों के लिए। ये वाला इतना सा काफी है, इनको देते हैं, और ये थोड़े से भी ये लो। ये देखे कैसे आ गई है खाने के लिए, अब इनको भी देना पड़ेगा, इनको ना घर के अंदर जाके देता हूँ। कल तक यहाँ पर दो अंडे थे, आज ये तीसरा अंडा भी आ चुका है, ये देखें, और बिल्कुल वैसा ही है यार, ब्राउन कलर का, ये वाइट कलर का अंडा नहीं है। तो अब ये समझ नहीं आ रही भाई, ये उन्हीं दो का अंडा है, मैं इनको अभी पकड़ के ले जाता हूँ दूसरी साइड पे, ताकि कल जब अंडा आएगा ना तो हमें कन्फर्म हो जाएगा कि ये वाले जो अंडे हैं ना इसी पेर गए। भाई बारिश के बाद खरगोशों की भी सूरत हाल देख रही है ना, बच्चों का क्या हाल है, क्या कर रहे हैं? एक दो तीन चार पाँच, माशाल्लाह सारे के सारे फिलहाल तो सो रहे हैं। एक निकालते हैं, रोजाना एक एक को निकाल के देखता हूँ ना। ओह ये देखे माशाल्लाह, अभी तक आंखें नहीं खुली। भाई आंखें खोल दो, इतने बड़े हो गए हो। छुप रहे छुप रहे। चले भाई, सर्दी है, इसे वापस इसके घर के अंदर चलो भाई। वो देखे क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर लगाते हैं, वापस ऊपर इसको रख देते हैं। शाम हो चुकी है, अभी तक अली नहीं आया, भाई को मैंने कॉल करके बुला लिया, भाई भी आ चुका है, पूछे तो सही ना भाई आखिर अली गया किधर है, क्यों उसको कहीं भेजा, क्यों पता नहीं, अहमद ठीक ही ना कह रहा हो। अली अली को भेज दिया, क्यों? छुट्टी में, पक्का 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 वजह यार, तुम्हें नहीं पता उसने क्या किया? मुझे मैं अभी तो मैं सुबह से गया हुआ था अभी। अच्छा, मैंने समझा आपको पता होगा यार, एक तो वो बिल्कुल लापरवाह है, देखा उसने डोनट को मार दिया,
ये दोनों तो अब मरने की चीज थी, अब क्या करते हैं। लापरवाही ना करता उससे नहीं मरना था, उससे कुंडी खोली छोड़ी है तो वो इससे घर से मरा है, ठीक है। और दूसरा ये एक महीने से मुझे कह रहा था कि मैंने जाना है, मैंने कहा पता नहीं क्यों जाना है। तो कल ये अपने कजनों के साथ गई जो ईद की दो दिन छुट्टियाँ से थी, ऐसे मतलब क्या किया उस दौरान ये देखा भाई सिगरेट पी रहा है, सिगरेट झूठ भी मेरे साथ बोलता है। एक दो बार पहले भी मैंने नोटिस किया था, अब फिर मैंने कहा कि आपको बताने से बेहतर है कि मैं इसको भेज दूँ। उसके मम्मी के हवाले में कह रहे हैं कि उस दिन की वीडियो जब वो डोनेट डोनेट, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली उसके बाद। तुम्हें कैसे पता चला यार? बस मुझे शक हुआ, मैंने कहा इसको नोटिस करता हूँ। मैंने जब ये वीडियो निकाल के देखी है तो उसमें सिगरेट पी रहा था। ये देखे दोस्तों, ये चेक करें अली कितने मज़े से सिगरेट, ऐसे ऐसे सिगरेट पी रहा है जैसे कोई बंदा प्रोफेशनल सिगरेट पीता है यार। और हमें अब पता चल रहा है जी, ये काफ़ी टाइम से अपने कज़नों के साथ मिलके सिगरेट पी रहा है, तो इसीलिए ये रमज़ान पूरा मुझे कहता रहा है कि भाई मैं अपने कज़न के पास जाना है सारा कुछ, तो इसलिए मैंने आज उसे भेज दिया है। खुद ही मैनेज कर लेंगे आप मैं सब मिल के, वरना कोई और अच्छा लड़का ले आएंगे। अगर मुझे एक अरेंज अब कर दो, तुमने भगाया तो मुझे, मैं आपको एक दिन में अरेंज कर दूँगा। उसको कहाँ दे गए? उसके घर वालों के हवाले कर, उसके मम्मी के हवाले कर रहे हैं, जाके बताएं। भाई अली हमारे घर के साथ ही रहता है, कुछ ज़्यादा दूर नहीं, बल्कि अपना ही घर उनको दिया हुआ है जहाँ पर वो रहते हैं। आपको मैंने शायद पिछली से पिछली वीडियो में ये एक बात बोली थी कि मैं कुछ दिनों तक आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, तो वो यही चीज़ थी कि अली बहुत लापरवाह हो गया था। दरवाज़ा जो है वो खुला, अली ने मुझे ऐसे ही लगता है जैसे जानबूझ के छोड़ा था, क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी हरकतें कर रहा था कि गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था हमें, ऐसे कि जैसे वो बस यहाँ से हम उसे किसी तरीके से ख़ुद भेज दें। एक दो दफ़ा उसने रमज़ान में मुझे बोला कि भाई मैं यहाँ से जाना चाह रहा हूँ। मैंने उसे बोला कि यार ना जाओ, अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ, तो वो बस कोई बहाने डाल रहा था। उसकी अम्मी का भी दिल था कि वो यहीं पर रहे, वो बार बार कहती थी कि वो यहीं पर रहे। उसके घर वालों का दिल था, लेकिन वो अपने कुछ कज़नों के साथ मिल गया था और उसके कज़नों ने देखा उसको सिगरेटों पर लगा दिया था, उसने सिगरेट पीना शुरू कर दी, तो आज वो पकड़ा गया। और फाइनली फिर आज भाई ने उसे उसके घर भेज दिया। अगर पहले मैं इसे देख लेता ना ऐसे सिगरेट पीते हुए, तो हो सकता है मैं एक आधा दफ़ा इसे वार्निंग दे देता, लेकिन बड़ा चलाक निकले यार, हमारे सामने तो इसने कभी सिगरेट पिया नहीं है। वो तो कैमरे लगे हुए थे भाई, टाइम टू टाइम कैमरे चेक करता रहता, तो भाई ने कहीं इसे देख लिया, वरना उस दिन तो मैं इसके पास था लेकिन इसने मुझे पता नहीं चलने दिया। इसने पिछले साल भी ना, जो पिछले साल ईद गुजरी थी उस ईद पर भी इसने हमारे साथ इसी तरह किया था, तीन दिन के लिए यहाँ से गायब हो गया था। तीन दिन के बाद ये वापस आया तो इसने बताया कि मैं घूमने गया हूँ कज़नों के साथ, लेकिन बाद में इसकी अम्मी ने हमें बताया तो भाई इसने कहीं और जाकर ना कज़नों के कहने पे उनके साथ जॉब शुरू कर दी। जब तीन दिन इसे बहुत मुश्किल लगा कि वो जॉब तो बहुत मुश्किल है और यहाँ पर तो सोना ही होता है और कोई काम करना नहीं होता, फिर ये जनाब फिर से वापस आ गए थे। ये क्या है? इनका क्या करना है अंडे? इनका क्या करना, फेंकते हैं ये सारे खराब हो गए हैं। ये अंडे हमने दूसरे घर से उठाए थे और ये वाले अंडे हमने वहाँ से निकाले हैं ना, तो इनका कोई फायदा नहीं है, इनको फेंक देते हैं। आ जाओ, बल्कि काम करते हैं, अंडों से मुझे याद आया वो दूसरी डक्स भी लानी है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उन डक्स को भी हमने अभी यहाँ पर लेके आना है। ये भाई मुझे फीमेल लग रही है और अहमद के हाथ में जो है ना ये पक्का मेल है, लेकिन कल ही पता चलेगा कि वाकई में ये अंडे दे रहे हैं कोई और। कोई और यार कैसे अंडे दे सकता है? बाकी डक्स के तो वाइट अंडे होते हैं, आपने पहले भी देखे होंगे, ये बिल्कुल मुर्गियों जैसे अंडे हैं गोल गोल। हाँ लेकिन इनकी जो स्किन होती है ना छिलका, वो बिल्कुल डक्स की तरह होता है, डक्स के अंडों की तरह होता है। तो आज हम इनको अलग से शिफ्ट करें, अल्लाह करे कि यार ये मेल और फीमेल ही हो ताकि मेरी टेंशन ख़त्म हो जाए, वरना फिर मुझे ये देकर ना मेल फीमेल लाने पड़ेंगे, कंफर्म पेयर करने पड़ेंगे। इनको देखने के बाद दोनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया है। इसका दिल है लड़ाई करने का और इसका दिल है खाने का। हाँ भाई खा लो, ओ ओ डर गया। इसका दिल करता है भाई जिंदा चीज़ें हो ना उन पर हमला करे, ऐसे गोश्त से देते हैं खाता ही नहीं है, बहुत कम खाता है। तो खैर अभी मेरा दिल है कि आज इनको ना हम बाहर छोड़ते हैं, क्योंकि रात को बारिश नहीं है और यहाँ पर पानी भी है, और इनकी अभी दो सौ खुशियाँ देखें, अभी एकदम से खुश हो जाएंगी। ये पक्का मेल है, अभी देखें ये उसकी आवाज़, इन दोनों की आवाज़ें भी अलग हैं, उसकी उसकी दुम देखें, और ये बिल्कुल खामोश खामोश। अब इसकी दुम देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ओए होए माशाल्लाह, पानी के अंदर खुशियाँ देखें भाई, कन्फर्म है ये फीमेल है और ये वाला मेल है। उस पूल के अंदर बाकी डक्स के साथ ही काफ़ी डरे डरे रहते थे कॉर्नर में, लेकिन अब देखें कितना ज़्यादा खुश हो रहे हैं वो, माशाल्लाह। तो आज ये यहीं पे रहेंगे और कल हमें इंशाल्लाह पता चलेगा जब यहाँ पर अंडा आएगा कि भाई ये मेल फीमेल हैं, दोनों फीमेल हैं या फिर क्या है। वो हमारे शहर में फिर से इतनी धुंध हो गई है ना कि ज़्यादा दूर तक कुछ नज़र ही नहीं आता। बारिश हुई है एकदम से, इतनी ठंड हो गई है कि फिर से प्रोजेक्टर निकालना पड़ गई है, और अब तो दो चार दिन और भी बारिशें आ गई हैं तो
अब तो ऐसे ही पता चल रहा है जैसे जनवरी फरवरी फिर से वापस आ गया है। ये देखिए कैसे मुंह से ऐसे भाप निकल रही है और बिल्कुल जनवरी फरवरी वाला सीन हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई और फिर से टेंशन शुरू हो गया भाई इतनी सर्दी में कई परिंदे जानवर बीमार ही ना हो जाए। तो आज के ब्लॉग यहीं तक था, आज के ब्लॉग को करेंगे यहीं पे खत्म। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।